हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रप्रिया। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के राजस्थान में स्थित एक श्रापित गांव की रियल स्टोरी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ रियल हॉरर ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई बरसों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधारा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधारा की भूमि पर सैकड़ों बरसों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधारा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीबाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधारा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीबाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। पालीबाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को भूमि में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीबाल ब्राह्मण अपने खेतों को सींचते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधारा की रहस्यमयी दास्ता, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीबाल ब्राह्मणों पर वहां के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिश नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह स्वयं उसे उठा कर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधारा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहां आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। कुलधारा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की वह बर्बाद हो गया। यह गांव पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों या महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज आती है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा है।